big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on. I would say even with Maldives. जो मालदीव की बात करें उन्हें इस टाइम जोन से समझ लें कि परेशानी हो गई है। और उस, मैं के समय मैंने जो जितने भी उनकी स्पीच कुछ देखी हैं, भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया, क्या $4.5 बिलियन कोई और कंट्री दे सकता है? सीधा इशारा चाइना पे और मालदीव्स पे। डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी के टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। वो अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, अब वो डैम बन गया है वहीं पे, उसको रिजर्वायर आप कह लें या डैम कह लें, वो अब वहीं पे होगा। उसने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। और जो GDP वहां पर ग्रो की है वो हैरान कन तौर पर 8.4% ग्रो की है, और ये जो मौशी तरक्की देखने में आई है भारत के अंदर ये गैर मुतवक्क थी। चाइना का एक भी सबमरीन शिप हमारी नॉलेज के बिना वहां से हिल ही नहीं सकता, मतलब वो एरिया ही क्रॉस नहीं कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना एवरी शिप हैज टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड कम इन फ्रंट ऑफ अंडमान। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत और मालदीव के संबंधों में खासी कड़वाहट देखने को मिली। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव को अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने मोइजू के बिग बुली के बयान पर कहा कि जब पड़ोसी देश मुश्किल में होते हैं तो दबंगई करने वाले देश $4.5 अरब की मदद नहीं करते। जयशंकर का यह बयान मोइजू के उस बयान को लेकर आया जो उन्होंने इस साल जनवरी में दिया था। मोइजू ने कहा था कि हम भले ही छोटा देश हो सकते हैं लेकिन इससे किसी को भी हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिलता। जयशंकर ने एक कार्यक्रम में अपनी किताब वाई भारत मैटर्स पर बात करते हुए संकट में फंसे पड़ोसी मुल्कों की मदद करने में भारत की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि जब आप भारत को बुली के तौर पर देखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि बिग बुलीज संकट में फंसे अपने पड़ोसी मुल्कों को $4.5 अरब की मदद नहीं देते। बिग बुलीज कोरोना के समय अन्य देशों में वैक्सीन की सप्लाई नहीं करते। भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। साउथ एशिया के अंदर एक जो इंस्टीट्यूशन था, एक मल्टीलैटरल फोरम था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में एस्टैब्लिश हुआ, और उस वक्त बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर थे। आई थिंक बाद में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया। क्वेश्चन इज के जो सार्क का मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होनी है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस खित्ते को क्या चाहिए, लेकिन भारत समझता है कि आज सार की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ने सार को कैसे कमज़ोर किया कि पाकिस्तान ये समझता है कि मुझे अपने ताल्लुकात या मुझे अपना रिलेशनशिप जो है वो खित्ते के बाहर से चाहिए। सो पाकिस्तान को जब भी अपनी सिक्योरिटी के मतलब चीज़ें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो पाकिस्तान सीधा अमरीका भागता था और वहाँ से अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेज लेता है। इंडिया भी अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेज पहले बाहर से लेता रहा लेकिन बाद में इतना तगड़ा हो गया कि उसको अब सिक्योरिटी एश्योरेंसेज उस तरह की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज़ डेड, और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी के टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। सो पाकिस्तान कह रहा है, और देन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं जी टेररिज्म इंडिया से, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के हवाले से नहीं करता, और भी खित्ते के बहुत सारे ममालिक हैं, और तो कोई मुल्क बात नहीं करता, अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के सारी बातें इशूज़ हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इतनी कम हो गई है कि बाकी खित्ते के ममालिक ने समझा कि इनसे हमारा अब लेन देन ही कोई नहीं है। सो डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं कि सार्क की जब रिवाइवल की बात करते हैं तो असल में हम ये बात करते हैं
कि क्या हम इस मुल्क के साथ ताल्लुकात चाहते हैं कि नहीं चाहते। सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, वो समझते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, द मोमेंट पाकिस्तान विल गेट मेन स्ट्रीम। सो नेवर लेट पाकिस्तान गेट मेन स्ट्रीम। पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। दिस इज़ वॉट इज़ द प्लान ऑफ डॉक्टर जयशंकर एंड इंडिया, और and so far they have been very successful in that way. External Affairs Minister Jaishankar sahab kal unhone media mein ek statement diya ki hum bully nahi hain, hum kisi country pe haavi nahi hona chahte, agar hona chahte hote to hum vaccine kyon dete, aur kya 4.5 billion dollar koi aur country de sakta hai, kisi aur ne diye hain, seedha ishara China pe aur Maldives pe। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लेवीना जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस की एनालिस्ट हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स पे लिखती है मैम। इनका बैकग्राउंड ही आर्मी से, इनके फादर आर्मी में थे, और ये अक्रॉस द कंट्री, इन्होंने अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री रही हैं, क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे, पोस्टिंग होती रहती थी। देश को इनसे बेहतर बहुत कम लोग जानते होंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम ये जो जयशंकर साहब ने बोला कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी कंट्री को वैक्सीन दे रहे हैं, हम बुली नहीं करते, क्या मालदीव्स की सिचुएशन ऐसी है कि मालदीव्स इंडिया के खिलाफ हो चुका है, और अगर जो बिल्कुल खिलाफ हो चुका है तो इंडिया को क्या क्या डेंजर्स है इसमें? मेरे को नहीं लगता था, लोगों को पता होगा कि पिछले साल एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट पकड़ी थी विच वॉज हेडेड टू श्रीलंका एंड मालदीव्स, और ये था 25,000 करोड़ का। आपको मैं मंगलयान का बजट बताती हूँ, इट इज व्हाट 450 करोड़, राइट? दिस कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स अलोन विच इंडियन नेवी अलोंग विद एनसीबी दे कॉट दिस, ये कुछ ही मैं पकड़ा था, दिस वाज 25,000 करोड़। एंड ये जो ड्रग्स स्मगल करते हैं, ये जो एरिया है, that area of Maldives, Sri Lanka, ये एक drugs, narcotics, terrorism का एक area है। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको पनप, you know, if we let it grow, तो it'll affect us। जैसे Sri Lanka में Easter blast हुआ था, we know it is like a ticking bomb। अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं Maldives को, और Maldives का क्या है, ये 1200 islands हैं। The lot of these islands are not occupied. And I remember long ago, ISI had started dropping, अपना मतलब पाकिस्तान के स्पाई एजेंसी ISI had started dropping its roots in Maldives. In fact, it is believed कि ISI की वजह से चाइनीज got closer to Maldives. You know, because ये जो narcotics, terrorism, ये जो network है, एक तो ये ISI चलाती है. So they need such bases. Empty islands are good attraction for them, right? It is हम लोग एक तो Maldives का जो जो सबसे ऊपर वाला island है वो India से hardly 100 kilometer दूर है,